अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं निम्रा को ना स्कूल में ड्रॉप करने के लिए आई थी, तो मैंने कहा आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल पर नए आने वाले सब फ्रेंड्स से काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी ना सब लोग आ रहे हैं, मैं भी जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ। अभी निम्रा के स्कूल का जो डोर है वो नहीं खुला, जल्दी से गाड़ी पार्क कर लेते हैं, तब तक खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स, कुछ लोग इस डायरेक्शन में गाड़ी पार्क कर लेते हैं और कुछ लोग जी जैसे मैंने पार्क की है इस डायरेक्शन को, क्योंकि मैंने इधर कोई घर वापस जाना होता है ना, तो फिर मेरे लिए ना ईजी होता है। तो अभी जी मैंने गाड़ी पार्क कर ली है और अभी बाकी भी सब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी डोर तो नहीं खुला, अभी वेट करते हैं, जैसे ही डोर खुलेगा निम्रा को ड्रॉप करके फिर हम वापस घर चलते हैं। चलो चलो जल्दी जा रहे, डोर खुल गया। मैं पान कर चुका, नहीं मैं पान। बाबा बाबा। Bye. Yes, bye. Bye. All right. Bye. 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 अच्छा जी फ्रेंड्स, निम्रा को मैंने ड्रॉप कर दिया, अभी जल्दी से चलते हैं वापस घर। फ्रेंड्स, इतने टाइम से कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई ना, अभी तक नहीं कंप्लीट हुई। एक्चुअली बीच में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी, फिर इन लोगों ने ना स्टॉप कर दिया था। अभी पूरा वीक धूप है, काफ़ी अच्छा 99 डिग्रीज है, तो शायद कंप्लीट कर लें। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी आ रहा है जी मदर डे, तो ना अभी जगह जगह ना लोग यहाँ पर स्टॉल लगा लेंगे, जैसे फ्लावरों का, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, जो मतलब जो भी मतलब गिफ्ट्स का, टेडी बियर्स का, मदर डेज के लिए ना। मुझे लगता है कि अभी ये वाले संडे है इंशाल्लाह ताला, मुझे भी अम्मी लोगों के लिए कुछ ना कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर। फ्रेंड्स, आते मैं सबसे पहले लॉन्ड्री में आई हूँ, और यानी ये वाली जो बास्केट है इसके कपड़े जो है ना वॉश होने के लिए ना मैंने ऑलरेडी वाशर में डाल दिए, बहुत ज़्यादा कपड़े हुए होते, तो मैंने कहा चलो दो बास्केट हैं आज कपड़े वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे जी विंडो खोल दिए, फ्रेश एयर आएगी, है द नेचर हो रहा है, मैं देखती हूँ अगर क्यों तंग कर रहे। ऑलमोस्ट पूरा 1 आवर लगेगा कपड़े धोने में, तो अभी जी जल्दी से चलते हैं हम बाकी के अपने काम शाम करें। शूज लेके आए, देखे कह रहे मैंने बाहर जाना है, क्या करना है, बाहर जाना है। फ्रेंड्स, कल मैंने निम्रा को शावर दे लिए थे, अभी यहाँ पे जी मैं अपने शहजादे को शावर दे के लेके आई हूँ। कह रहे थे मम्मा सर्दी लग रही है, कम्बल दे दो, ऊपर कम्बल ले लिया, तो अभी जल्दी से जी मैं इसके लिए कपड़े निकालती हूँ। जल्दी से यार ये वाली शर्ट पहना देते हैं। फ्रेंड्स, शहजादा एकदम रेडी हो चुका है। शहजादे इधर देखो, सलाम बोल दो जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। अभी इसने जी लिए चिली मिली, नीचे जाके खाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने सुबह विंडो खोली हुई थी, लेकिन ना अभी मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मैंने हैदर को शावर देना था, तो ना मैंने कहा चलो रूम में फ्रेश एयर ऑलरेडी आ गई, अभी जल्दी से चलते हैं जी नीचे, ऊपर के सारे काम डन कर लिए और जाके करते हैं जी लंच। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ जी किचन में, और मैंने रख लिया है नाश्ता अपने लिए। यहाँ पे जी चाय के लिए पानी रखा है, और यहाँ पे मैं फ्राई होने के लिए एग रख दी है। अम्मी ने ना अब्बू को आज नाश्ता करवा दिया था, क्योंकि अब्बू ना जाना था, काम था थोड़ा सा, तो मैं ऊपर चली गई थी लांडी लूंडी करने के लिए। तो फिर अभी यहाँ पे जी मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है, और इधर जी मैंने ना बच्चों के फीडर भी वॉश करके रख लिए हैं, जल्दी से इनको भी हैंग कर देते हैं, इनका पानी अच्छे से जी ड्रेन हो चुका है। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था, और ये है जी मैंने अरबी और बैंगन का थोड़ा सा सालन लिया है, ब्रेड का स्लाइस, एग और साथ में चाय का कप। जल्दी से नाश्ता करने, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलो आज जल्दी से पहले आपको ना, ओए इतने सारे टमाटर लेके आए हो, चलो जल्दी से पहले आप ना अपना लंच करो। हाँ जी, क्या करना, नीचे लेने ले लो, पकड़ लो, फिर भी आपके ऊपर गिर जाएंगे। चलो चलो वहाँ लेके बैठो, पहले जल्दी से ना करे जी लंच, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। फ्रेंड्स, जल्दी से अभी अपने वाइटामिन्स ले लूँ, भूल ना जाऊँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैंने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया था सालन जी, मैं बनाने लगी हूँ चिकन और कद्दू का सालन। चिकन ऑलरेडी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और यहाँ पे टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट है, जल्दी से ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जल्दी से सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें, और कद्दू फ्रेंड्स ऑलरेडी बॉयल करके रख लिया था, ये अच्छे से पहले चिकन को मसालों को भून लें, फिर कद्दू ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है, ऊपर ऑयल भी आ चुका है, अभी मैं जल्दी से जी सारे कद्दू ऐड कर दूंगी, और फिर स्टीम में ना हम इसको पकाएंगे 20-25 मिनट। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वो मैस भिंडियाँ भी ले आए थे, अम्मी ने वॉश करके चिक्कू में डाल दिया, पानी ड्रेन हो गया, और यहाँ पे जी ऑलरेडी भिंडियों की कटिंग होनी शुरू हो चुकी है।
फ्रेंड्स यहाँ पर है ना भिंडियों की प्याज और टमाटर की भी अम्मी ने कटिंग कर दी है। बस अभी जी निमरा के पिक करने का टाइम हो गया, मैं निमरा को पिक कर लूँ फिर वापस आके ना इंशाल्लाह ताला फिर भिंडियाँ बनाएंगे। चलो चलो देर हो रही है। यहाँ पर ना फार्म है गांव भैंसों का और वो देखिए इतनी प्यारी ना धूप निकली हुई है तो आराम फरमा रही है धूप में सारी भैंसे। आज फिर देर हो गई है फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की वजह से ना हमें रोजाना लेट हो जाती है, हम टाइम से पहले निकले थे फिर भी देर हो जाता है। निमरा भी अंदर चली गई है देखना, फिर वो रोजाना मुझे कहती है मामा आप लेट क्यों आती हो, देखिए मेरा बच्चा मेरा सोनू पागी भागे वो देखो सच्ची जाओ मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बच्चे बैठ गए यहाँ पे जी अपना लंच करने के लिए। फ्रेंड्स चिकन और कद्दू बिल्कुल रेडी हो चुका था, हल्का सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है तो और डिश आउट कर दिया है। अभी जी बनाते जल्दी से भिंडियाँ। फ्रेंड्स यहाँ पे ना भिंडियाँ बिल्कुल फ्राई कर ली थी और प्याज ऑलरेडी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है, टमाटर हरी मिर्चों की भी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं और जब फुल रेडी हो जाएगा सालन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लोग अच्छा जी फ्रेंड्स भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, अभी जी इनको मैं थोड़ी देर के लिए ना स्टीम पे रखूंगी, आंच थोड़ी सी हल्की कर देते हैं और यहाँ पे जी साथ में पकने के लिए रखा हुआ है चिकन कढ़ाई। फ्रेंड्स चिकन कढ़ाई का भी सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था, मैंने कहा इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करें और भी बिल्कुल अच्छे से आ गया था, काफ़ी ज़्यादा भुना भी है। अच्छा जी फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जी मैं बनाने लगी थी आलू और कीमा। कीमा मैंने प्याज को पहले शालू फ्राई करके और यहाँ पे प्याज टमाटर हरी मिर्ची निकाल के रखी हैं ब्लेंडर में और जल्दी से अभी जी अच्छे से ना पहले कीमा को भूनते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आलुओं की कटिंग करके भी रख ली थी और जी कीमा यहाँ पे जी अभी पक रहा है, मैंने कहा अच्छे से भून के ना तो एंड पे ना बस डालूंगी आलू, आलू तो स्टीम में भी ना गल जाते हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने दो तीन और ही मिर्चें ऐड की हैं साबुत वाली लुक के लिए भी, अगर किसी ने ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो वो फिर हरी मिर्च तोड़ के साथ में यूज़ कर सकता है। आलू भी ऐड कर दिए और अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद एक कप पानी डाल के ना इसको स्टीम में रख के ना आलू को अच्छे से गला लेंगे और फिर हमारा ये सालन भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इधर अम्मी जी बना रही हैं पुलाव मटर का, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, बॉईल पानी डालेंगे तो फिर जल्दी बैलेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना दो कप पानी ऐड कर दिया है, फ्रेंड्स कीमा जो था मैं दम में रखी थी, अम्मी कहती थी मैं खुद ही चेक कर लूँगी फिर रेडी करके डिश आउट कर लूँगी क्योंकि अभी बच्चों के सोने का टाइम था 4 o'clock हो गया था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से जाके ना अभी बच्चों को ना सुला देती हूँ, ऑलरेडी पहुँच चुकी है रूम में। फ्रेंड्स इतना अच्छा मौसम है ना, धूप लगी हुई है, बच्चे नैप लेके ना उठ के आके ना वैसे ही बाहर आ गए हैं, वो देखिए निमरा और हैदर यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हमें ना पार्क में लेके जाओ, हमें पार्क में लेके जाओ ना, मैं लेके आती हूँ मैं, जब अच्छा वेदर होता है ना फिर सब, वो देखिए बेबी भी सामने, उसके पापा रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं और वो आराम से गाड़ी में बैठा हुआ है माशाल्लाह। अभी जल्दी से मैं पानी ले आऊँ और फिर चलते हैं, वो भी बच्चे पार्क से जा रहे हैं। फ्रेंड्स जब मैं बच्चों को नैप देने के लिए चली गई तो चीज़ें लेफ्ट ओवर आ गई थी, अम्मी ने सारी कंप्लीट कर दी हुई हैं। फ्रेंड्स ये जितनी भी कुकिंग की है सारी मेरी फ्रेंड्स के लिए की थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने नया घर लिया है, वो मूव हुई है तो उसके घर में पेंट वगैरह हो रहा था, किचन टोटली बंद था तो वो कुकिंग नहीं कर सकती थी, तो कहती थी बाहर से नहीं खाने को दिल करता, तो आप ना प्लीज़ कुछ भी दो चार डिशेस बना के ना मुझे दे दो। तो अभी जी खाना सारा रेडी कर दिया था, अभी जी हम उसको देने के लिए जा रहे थे, जाते वक्त हमें 45 मिनट लगेंगे क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक नहीं होती। फ्रेंड्स खाना बनाने का सबसे एक अच्छा टिप यही है कि शायद आप नमक मिर्ची बनाओ लेकिन अम्मी कहती है कि सालन को अच्छे से भूनना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए निमरा कल स्टोर गई थी ना तो वहाँ से ना अपने लिए नाखून लेके आई थी, ये देखो इसने खुद ही अपनी जैसे जैसे इसको समझ आई उसने लगा लिए, निमरा वो भी दिखाओ, हाँ ये देखो अच्छा उधर नहीं लगाए अभी, चलो ठीक है चलो दूसरी साइड पर भी लगा लो। फ्रेंड्स वी आर बैक होम, अभी बच्चे कह रहे हैं जब मैं पार्क लेके जाओ तो देखते हैं, सूरज भी ग्रूब हो रहा है, मगरब का टाइम हो रहा है, देखते हैं अभी लेके जा सकते हैं कि नहीं।
फ्रेंड्स बच्चों को पार्क लेके गए थे, उसके बाद इनको डिनर वगैरह करवाया। तो अभी जी मैं आ चुकी हूँ वापस रूम में, थोड़ा सा मेरा अपना टाइम है, मैं बैठूंगी टीवी देखूंगी और ये वाला ब्लॉग है जो यहीं पर एंड करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।